तो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और फर्स्ट क्लास होंगे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो गाइस, वीडियो के अंदर बात करेंगे आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जो कि दोस्तों आपको हमारे इंडिया और बांग्लादेश सर्वर में देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे पिंक डायमंड के इवेंट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे समर थीम के कुछ आइटम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले अक्टूबर मंथ में जो अपना हैलोवीन इवेंट आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड वगैरह के साथ भी शेयर कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इन गेम इवेंट के बारे में। तो हमारे गेम में आ चुका है वायलेट रिंग का इवेंट, और इसके अंदर जो रिवार्ड्स दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। स्पेशली जो G18 की स्किन है, उसका जो लुक और जो इसका एनिमेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। और इंडिया सर्वर में एक बात अच्छी है कि भाई यहाँ पे जो है ज़्यादा टोकन व्हील में अपना यूनिवर्सल रिंग टोकन अपने को देखने को मिलता है। यही इवेंट बाहर के सर्वर के ऊपर भी आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे अलग टाइप के टोकन दिए गए थे। तो इंडिया सर्वर में बस एक यही चीज़ अच्छी है, बाकी तो कुछ अच्छा अभी है नहीं। तो अगर आप यहाँ पे स्पिन मारते हैं और अगर आप अपने यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 हज़ार डायमंड खर्च करते हैं, तो आप यहाँ से 2-3 अच्छे अच्छे जो रिवार्ड्स हैं उनको रिडीम वगैरह कर सकते हैं, और कुछ रिवार्ड आपको जो है डायरेक्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप लोग बताना दोस्तों कि क्या आपने यहाँ पे स्पिन किया या नहीं किया। वैसे इवेंट काफ़ी अच्छा है, बंडल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो भाई अभी एक न्यू पोस्टर निकल के आया हुआ है, जो कि आजकल काफ़ी वायरल चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। ये है फ्री फायर एक्सिट डॉली की टपरी। तो अब ये इतना ट्रेंडिंग क्यों चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से जो अपना डॉली चाय वाला है हर जगह ट्रेंड कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। तो इसीलिए क्या करा कि कुछ लोगों ने क्या करा कि मज़े लेने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई फ़ैन वगैरह हो सकता है, उसने क्या कर दिया कि एक पोस्टर बना दिया और यहाँ पे इस करेक्टर को नाम दे दिया चोको। तो भाई ये मैं आपको बता दूँ कि ये फेक है, ये रियल नहीं है, ये अभी सिर्फ फैन मेड है, कोई ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। ये जिसने भी बना रखा है खाली ऐसे मज़े वजे लेने के लिए बना रखा है। तो कुछ लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई कहीं ये असली तो नहीं है, क्या फ्यूचर में ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो देखो भाई, फ्यूचर में क्या होगा वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये बिल्कुल फेक है। फिलहाल ऐसा कोई भी कॉलबेशन अभी नहीं होने वाला है। हाँ, नारुतो वगैरह के साथ और जो अपना थाला के साथ जो है कॉलबेशन पेंडिंग रखा हुआ है वो हो सकता है, और पुष्पा 2 वाला भी कहीं ना कहीं अपने को लीक्स देखने को मिल रहा था। तो अभी आने वाले टाइम में काफ़ी तगड़े तगड़े कॉलबेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा कॉलबेशन पहले आता है। बाकी अगर डॉली की टपरी वाला कॉलबेशन आएगा तो आप लोग बताना कि क्या आप लोग ये वाले करेक्टर को परचेस करोगे या नहीं करोगे। अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले ही हमारे गेम के अंदर न्यू इमोट को ऐड कर दिया गया है हमारी गेम की फाइल के अंदर। तो बेसिकली ये जो इमोट है एक डांसिंग इमोट टाइप का है, जो कि मतलब काफ़ी फनी टाइप का लग रहा है। तो ये वाला जो इमोट है दोस्तों अभी फाइल में ऐड हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि बहुत जल्द अपने को ये देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से या तो ये दिवाली इवेंट के टाइम पे या फिर हैलोवीन इवेंट के टाइम पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है फ्री में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि कोई ज़्यादा खास इमोट तो है नहीं, सिर्फ डांस इमोट है, और डांस इमोट बहुत बार अपने को फ्री में देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो देखते हैं क्या फ्री में मिलता है नहीं मिलता है। बाकी इमोट आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। ये दोस्तों आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है हमारे इंडोनेशिया सर्वर की। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया और हमारे मीना सर्वर के ऊपर जो है यहाँ पे जो अपना पिंक डायमंड का इवेंट है दोस्तों, वो दोबारा से रिटर्न पे आ चुका है। तो काफ़ी टाइम से किसी भी सर्वर के ऊपर ये पिंक डायमंड का इवेंट नहीं आया हुआ था, लेकिन अभी जो है इंडोनेशिया सर्वर के ऊपर और कुछ सर्वर के ऊपर इसको रिटर्न पे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के कमेंट निकल के आ रहे थे कि क्या भाई इंडिया सर्वर के ऊपर भी पिंक डायमंड का इवेंट आ सकता है नहीं आ सकता है। तो देखो भाई, मुझे तो चांस थोड़ा कम ही लग रहा है, क्योंकि कहीं लोग बोल रहे थे कि क्या दिवाली में आएगा। तो देखो, दिवाली में तो आज तक कभी आया नहीं, इंडिया में सिर्फ एक ही बार आया था, जब वो आया था अपने एनिवर्सरी के टाइम पे। तो एनिवर्सरी इवेंट तो चले गया भाई, एनिवर्सरी इवेंट तो अभी दोबारा नहीं आएगा। तो दिवाली के टाइम पे आने का तो चांस मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है भाई। अगर कोई लीक्स आती है, अगर गरीने वाले थोड़े मेहरबान हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आ भी जाए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हैं, गेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट कभी भी जो है यहाँ पे आ सकता है। लेकिन जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आपको पिंक डायमंड का इवेंट देखने को मिलेगा। ये वाला पिंक डायमंड का इवेंट सिर्फ बाहर के सर्वर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो बंडल वगैरह, जो आइटम वगैरह दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं। तो यही रहने वाला है।
बाकी दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर मंथ में हैलोवीन इवेंट आने वाला है, तो हैलोवीन इवेंट में कौन कौन से रिवार्ड आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको एक मेल बंडल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी डरावना टाइप का लग रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंडिया सर्वर के ऊपर जो डेडिकेटेड हैलोवीन इवेंट है वो नहीं आएगा, मतलब इसके रिवार्ड तो आपको देखने को मिलेंगे बट इसका एक स्पेशल इवेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिन सर्वर के ऊपर दिवाली इवेंट नहीं आता है, जैसे अपना बीडी सर्वर हो गया और अपना जो है यहाँ पे सिंगापुर सर्वर हो गया, या फिर जो बाहर के जितने भी सर्वर हैं इंडोनेशिया ब्राज़ील, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे हैलोवीन इवेंट काफ़ी बड़ा आने वाला, मतलब काफ़ी मेगा इवेंट आपको देखने को मिलेगा। बट इंडिया में इवेंट तो नहीं आएगा बट रिवार्ड ज़रूर आएंगे। तो रिवार्ड कौन से इवेंट में आएंगे? रिवार्ड आपको इस तरीके के टोकन व्हील में जो है इंडिया सर्वर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग जो है यूनिवर्सल रिंग टोकन जो है उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हैलोवीन के रिवार्ड भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। ग्लूवॉल की स्किन भी आप देख सकते हैं भाई, काफ़ी तगड़ी ग्लूवॉल की स्किन जो है यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अलावा एक गन स्किन आने वाली है ग्रोजा की, तो ग्रोजा की जो गन स्किन है दोस्तों ये भी लिटरली काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको डबल एक्यूरेसी और सिंगल रेट ऑफ फायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इसका लुक काफ़ी ज़बरदस्त है। और ग्रोजा के बाद दोस्तों आपको एक म्यूजिक सीडी भी देखने को मिल जाती है जिसमें कुछ म्यूजिक वगैरह यहाँ पे ऐड किया गया है। देन आपको एक लूट बॉक्स देखने को मिल जाता है। देन लास्ट में आपको एक इमोड देखने को मिल जाता है। तो इमोड तो नॉर्मल सा है, तो इमोड तो मेरे हिसाब से जिन सर्वर में इवेंट आएगा वहाँ पे ये जो इमोड है वो फ्री में मिल जाएगा, और इंडिया सर्वर में भी ये इमोड जो है फ्री में मिल सकता है। तो बेसिकली दोस्तों यही अपना हैलोवीन इवेंट रहने वाला है। तो इंडिया में तो इवेंट आता नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जो रिवार्ड्स हैं वो आपको टोकन व्हील इवेंट में जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों समर थीम के कुछ आइटम पेंडिंग रखे हुए हैं जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि अभी जो समर इवेंट का फीमेल बंडल है उसको टॉपअप इवेंट में दिया गया है। तो फीमेल बंडल तो आ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम अभी भी नहीं आ रखे हैं। कौन कौन से आइटम नहीं आ रखे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अपना यहाँ पे इमोट हो गया, तो ये वाला इमोट भी दोस्तों अभी तक जो है अपने को देखने को नहीं मिला है, जो कि एक ग्रुप इमोट है। और इमोट के अलावा दोस्तों ये जो यहाँ पे बाइक वाला इमोट है, ये बाइक वाला इमोट भी अभी तक नहीं आ रखा है, जो कि काफ़ी तगड़ा इमोट है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इमोट। इसके अलावा बाइक की स्किन भी नहीं आ रखी है। और अपना यहाँ पे जो बंडल हैं, दोनों मेल बंडल और फीमेल बंडल जो है वो यहाँ पे अभी तक नहीं आ रखे हैं। तो बहुत जल्दी ये सारे के सारे आइटम आपको अलग अलग इवेंट में देखने को मिलेंगे। इमोट वगैरह आपको इमोट रॉयल वगैरह में या फिर इमोट पार्टी में देखने को मिल जाएगा। बंडल वगैरह आपको लकी व्हील या फिर किसी अदर इवेंट में जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आइटम भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अब दोस्तों टुनाइट अपडेट के बारे में बात करें, तो बेसिकली आज कोई खास टुनाइट अपडेट कुछ है नहीं, तो कल कोई भी इवेंट नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर दिन में या फिर शाम तक कोई भी इवेंट कंफर्म होता है तो मैं आप लोगों के साथ जो है ज़रूर शेयर कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो कोई भी इवेंट की अपडेट निकल के नहीं आ रखी है, तो जैसी कोई अपडेट आएगा तो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो आप लोग जाके जो है व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई ने कमेंट किया है कि AWM और M4N के बाद कौन सा गन स्किन का रिंग इवेंट आएगा। तो भाई देखो, लगातार दो गन स्किन का रिंग इवेंट आ चुका है, तो अभी तो मेरे हिसाब से बंडल का रिंग इवेंट आने का चांस है। ओल्ड इनक्यूबेटर के कुछ बंडल आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी गन स्किन के बारे में अभी अपडेट नहीं है, हो सकता है इसके बाद एक्समेट और AN94 वाला जो गन स्किन का इनक्यूबेटर है वो आपको देखने को मिल जाए, या फिर कोई अदर भी आ सकता है। इसके अलावा भाई ने कमेंट किया कि लो रिमोट कब आएगा, तो देखो भाई मैं आपको काफ़ी टाइम पहले बता चुका हूँ कि अपना जो लो इमोट है वो आपको दिवाली इवेंट के टाइम पे देखने को मिलेगा। तो दिवाली इवेंट के टाइम पे अपने को इमोट पार्टी का इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो इमोट पार्टी इवेंट में ही आपको जो अपना लो इमोट है और अपना जो फ्लैग इमोट वगैरह है वो यहाँ पर रिटर्न पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग थोड़ा दिवाली इवेंट के आने का वेट करो। बाकी दोस्तों, अगर आपको सस्ते में डायमंड चाहिए और आपको मेंबरशिप चाहिए या फिर ईगोगन के टोकन वगैरह चाहिए, तो आप लोग SG गेम शॉप से जो है यहाँ पर टॉपअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो आप लोग मुझे यहाँ पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए, तो मैं दोस्तों आपको रिप्लाई यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन तुरंत हो जाएगा। तो अभी दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।